बीमार होने पर खटिया में लिटाकर नाला पार करा रहे लोग। सिमरिया विधानसभा के ग्राम पंचायत मजिगवा पटकन टोला का है मामला। बरसात के मौसम में इस इलाके के लोग ऐसे ही पार करते हैं नाला। बीमार होने पर खटिया में लिटाकर नाला पार करा रहे हैं लोग। सिमरिया विधानसभा के ग्राम पंचायत मजिगवा पटकन टोला का है मामला। बरसात के मौसम में इस इलाके के लोग ऐसे ही पार करते हैं नाला। आज़ादी के 75 साल बाद भी गांव से बाहर जाने के लिए सड़क नहीं। लोग मरीज को खटिया में ले जाकर करा रहे हैं नदी नाले को पार। मध्य प्रदेश के रीवा से एक ऐसा ही वायरल वीडियो खूब बटोर रहा सुर्खियां, जिसमें कई लोग एक मरीज को खटिया में लिटाकर पानी से भरे नाले को पार करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो रीवा जिले के सिमरिया का है। कई जगह पर आज भी लोग सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। आज भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर कई लोगों को कई तरह की असुविधा का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही एक वीडियो रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से सामने आया, जिसने उस सिस्टम की पोल खोल कर रख दी जहां दावा किया जा रहा सब कुछ ठीक है। यहां तेज बारिश के बीच कुछ लोगों ने मरीज को घाट पर लिटाकर नाला पार कराया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा। यह वीडियो रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र का है, जहां पर सिस्टम घाट पर नजर आ रहा है। यहां पर ना रोड है ना ही पुलिया, उसके बाद भी इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। इन दिनों मध्य प्रदेश के साथ रीवा जिले के भी कई इलाकों में जोरदार बारिश का दौर शुरू है। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में भी बारिश से लोगों की आफत आई हुई है। बारिश ज्यादा होने के चलते लोगों का आवागमन में रोक लग गई है। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत मजिगवा पटकन टोला में पुलिया उफान पर होने के चलते लोग परेशान हैं। इस गांव के एक युवक को जहरीले कीटे ने काट लिया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाना था। मरीज को अस्पताल ले जाने की कोई जब दूसरी व्यवस्था नहीं हुई, पुलिया उफान पर होने के चलते मरीज को खाट पर लिटाकर युवक को पहुंचाया गया अस्पताल, जिसका वीडियो भी ग्रामीणों ने बनाया, जो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जो अभी हाल ही का बताया जा रहा है। रोड ना होने के चलते बरसात के दिनों में पानी भरा रहता है, लोगों का आवागमन लगभग रुक सा जाता है। ऐसे में एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है। ग्रामीणों ने इस परेशानी का वीडियो बनाकर गांव की समस्या को बताया। यह वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद जब इसके बारे में हमने अपर कलेक्टर रीवा शैलेन सिंह से बात की, तो उनका कहना था, यह वीडियो मेरी जानकारी में आया है, कुछ लोग खाट में मरीजों को ले जा रहे थे, इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, उन्होंने जाकर मौका भी देख लिया है। संभावना लग रही कि यह वीडियो सही नहीं है, इसमें बहुत सारे तथ्य भी हैं। यह बात सही है कि बारिश का समय चल रहा है, कई जगह से लोगों का संपर्क कटा हुआ है, लोगों को असुविधा जरूर हो रही है, लेकिन प्रशासन पूरा प्रयास कर रहा है। प्रशासन का दावा है यह वीडियो फर्जी है, हमने जांच भी कराने की कोशिश की है, लेकिन वाकई यहाँ पर पानी भरा हुआ है। अब तो यह जांच के बाद ही तय हो पाएगा कि यह वीडियो फर्जी है असली, लेकिन वीडियो में साफ तौर से दिखाई दे रहा है यहाँ पर कुछ लोग एक व्यक्ति को खटिया में लिटाए हुए हैं, खटिया को अपने कंधों पर लेकर रहे पानी से गुजरते हुए सड़क से इस पार से उस पार आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने इस बारे में शैलेन सिंह अपर कलेक्टर रीवा से बात की, आइए आपको सुनाते हैं पूरे मामले को लेकर उनका क्या कुछ कहना था। देखिए सर, वीडियो प्रकाश में आया है मजिगवा क्षेत्र के नज़दीक में कि एक युवक को खटिया पे लेकर और कुछ लोगों के द्वारा जाया जा रहा था। जैसे ही तथ्य संज्ञान में आया तो मैंने तहसीलदार साहब को तुरंत निर्देशित किया है, कलेक्टर साहब ने निर्देशित किया है, उन्होंने वहाँ जाकर मौका देखा है और हम लोगों का ये संभावना लग रही है कि शायद ये वीडियो बहुत सही नहीं है या कुछ इसमें तथ्य हैं। लेकिन यदि हाँ ये बात सही है कि इस समय पानी तेज गिर रहा है, वर्षा की स्थितियाँ हैं, काफ़ी जगह संपर्क कटा हुआ है, लोगों को कुछ असुविधा जरूर हो रही है, लेकिन प्रशासन अपने स्तर पर पूरा प्रयास कर रहा है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एज सून एज पॉसिबल जो भी बेहतर व्यवस्थाएँ कर सकते हैं वो कर लें, और यदि इन सब परिस्थितियों के लिए कोई व्यक्ति दोषी है तो उसके खिलाफ़ भी हमारी टीम सजा है।